नशे की रोकथाम के लिए कई राज्यों की चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करने की नई पहल की है। चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक संजय बेनीवाल ने बताया कि नशा बेचने वालों को तो पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन साथ ही नशे की मांग को कम करने की दिशा में चंडीगढ़ पुलिस युवाओं को खेल के साथ जोड़ने पर काम कर रही है, ताकि युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। पुलिस ने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस मेरे साथ हैं चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक संजय बेनीवाल, इनसे जानते हैं जी। देखिए, ये जो हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के अंडर ये हमारा इनिशिएटिव है, और हमारा मानना है कि ये इलाका जो ड्रग से बहुत ग्रसित है, यहाँ के जो युवा हैं उनको बहुत इसके प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं, उससे दूर करने के लिए कोई क्लासरूम का ज्ञान नहीं चाहिए, उनका ध्यान और चीज़ों में बटाने की ज़रूरत है। तो हमारी मुहिम जो है ये उसके तहत है कि खेलोगे तो खिलोगे। हमने जो हमारे एक्सपीरियंस से ये पाया था कि खेल खेल में जब इन बच्चों को ड्रग्स को कैसे ना कहना सिखाया जाता है तो वो परमानेंट होता है और लाभकारी होता है। तो उसी के तहत ये इनिशिएटिव हमने लिया है, और इन बच्चों का डांस आप देखें, और इनका सामने के जो हमारी 8 टीमों ने यहाँ के गली गली के मोहल्लों की टीम्स ने आके जो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है वो सराहनीय है, और इससे एक ऊर्जा अलग आती है, एक 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 उम्मीद अलग बनती है कि अपनी एनर्जीज को हम सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। तो उसकी दिशा देने की जरूरत है, उसके लिए ये हमारी एक पहल है, और बच्चों के मुस्कुराते चेहरे और इसको देख के मुझे यकीन है कि बिल्कुल सही दिशा में लिया गया कदम है। धन्यवाद। बेनीवाल जी, 7 राज्यों की बैठक हुई थी जिसमें नशा की रोकथाम के लिए फैसला लिया गया था, तो उसके जो फैसले के बाद चंडीगढ़ पुलिस क्या कदम उठा रही है? देखिए, वो फैसला अलग नहीं है, पहले भी बहुत स्टेप लिए गए हैं, और इसके मद्देनजर रखते हुए कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर इवन हमारे 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस पर गोष्ठी करनी चाहिए। तो वो ना तो आगाज है ना अंत है, वो उस चीज को महत्ता देने के लिए था, और इसमें एक तरफ ये जरूर उसमें निर्णय आए कि हम जैसे जो ड्रग बेचते हैं उनको तो पकड़ेंगे ही सप्लाई, लेकिन उसका जो डिमांड है वो कम करने की जरूरत है, और वो कम इन माध्यमों से हो सकती है। तो ये अब एक सोची साची समझी पॉलिसी के तहत इस तरह के कार्य 5 राज्य जरूर उठाएंगे अपने अपने तरीके से। बेनीवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेस नेताओं पर जांच चल रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन चूंकि ये आपको संवैधानिक अधिकार है तो उसके साथ साथ एक कुछ आपके पास लिमिटेशंस भी आते हैं कि उसके दायरे में रहकर ही आप अपना जो भी आपको एजिटेशन करना है वो आप कर सकते हैं, वो अधिकार है। तो उसके अनुजय जो भी जहाँ पे जगह पे ये सुनिश्चित जगह है जहाँ पे आप किसी के भी खिलाफ एक्शन अपना प्रदर्शन कर सकते हैं वहाँ आप करें, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जहाँ मनाही है वहाँ तो नहीं अलाउड होगा, उस पे कानून सबके लिए एक। थैंक यू। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक संजय बेनीवाल। इनका कहना है कि युवाओं को नशे से मुक्त रखने के लिए खेलों की तरफ प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि युवा जो है नशा मुक्त रह सके। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।